श्री राम वापस आए अयोध्या में। वर्ष पूर्ण हो गए उनके, युद्ध भी हुआ है, श्री राम लौटे। उनकी माता कौशल्या उनको पूछा, राम रावण वध करके आए हो? श्री राम ने प्रणत होके कहा, महापंडित, महाबली, महाशिव भक्त, महाज्ञानी, रावण की वध हुई है उसके अहंकार के कारण। यह है श्री राम, इतने जिसके कारण जो तकलीफें हुई, जो मुश्किल आन पड़ी, जिनकी व्यवस्था करने में सालों बीत गए, उनकी जो गुण है वो पहले कहे, फिर कहे उनकी बद, उनकी हत्या जो हुई है वो उनके अहंकार के कारण। श्री राम ने कहा, महावली रावण बलि तो था, शिव तांडव स्तोत्र उनकी रचयिता है, वो महाज्ञानी है। इसीलिए श्री राम ने जब इनकी मृत्यु निकट है, मृत्यु शैया में जब रावण लेटे हुए हैं, तब लक्ष्मण को, भ्राता लक्ष्मण को कहा, वो महाज्ञानी है, अर्थात ज्ञान आहरण हुई है, इतने तप किया है, महातपस्वी है वो, महाभक्त है वो, महासंगीतकार है वो, ज्ञानी ही है ना। बोला, उनसे सुन के आओ, वो जाने के पहले कुछ उनकी चरण की साइड में रुकना, किसी से ज्ञान प्राप्त होनी है तो उनके सामने रहना पड़ता है, चरण के निवेदन करके प्रश्न पूछना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान नॉलेज नहीं है, संपूर्ण शरीर मन समय एक जिंदगी का एक लक्ष्य प्रायोरिटी में रहते हुए जो अर्जन किया है वो ज्ञान है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहीं से सुन के नहीं कहेंगे। पूरा जिंदगी उन्होंने ये जापन किया जो, तो पहले बात लक्ष्मण को इन्होंने कहा, जिन पे भक्ति है, जिन पे विश्वास है, उन पे मान्यता रखने में देर मत करो, देर मत करो, जब भी समझे तब से उनको पालन करना, उनको मान्य करना सीख जाओ, क्योंकि आखिर में जब वो अहंकार से टूटे, उतना ज्ञानी ऐसे अगर एक व्यक्ति हो तो उनको क्या खबर नहीं है जो उनकी अहंकारी उनकी पतन के कारण है। इसलिए भक्ति तप सब गवा दिया। श्री राम कौन है ये भी इनकी जानकारी हो भी गया था तो भी सब गवा दिया, कारण एक असुर, अहंग असुर, ये यो बता के गए थे। महाभक्त, महापंडित, महातपी, महाक्रिया कर्म सारे करने की बाद ये महाबली, इनको पतन फिर क्यों, कहाँ कमी रह गए थे, उनको प्रेम की कमी रह गए थे, उनमें प्रेम नहीं था।